15 साल पहले अगर आप ये वाला ट्रेलर अपने टीवी पे देखते तो आपका रिएक्शन यही होता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सच बताइएगा। होती 100% होती। आपने रोडीज देखा, आपने सत्यमेव जयते देखा, आपने मूवीज देखी, लोगों को प्रोग्राम किया गया मीडिया के थ्रू कि आज आप इस चीज को एक्सेप्ट करने लगो कि अगर मूवी का ट्रेलर आप अपने बच्चों के साथ मूवी देख रहे हो, मिलेनियल्स को बकायदा ये प्रोग्राम किया गया है मीडिया के थ्रू कि वो लोग मॉरलिटी और इमोरलिटी को क्या कहते हैं, हर इमोरल चीज को मॉरल समझो और समझे ना फाइनल क्या है। और जनरेशन जी को तो आई एम नॉट एबल टू डिसाइड एनीथिंग एंड आई थिंक नो वन शुड जज and decide this is moral or immoral. It's just if two people want to be happy and they love each other, what's wrong? Why should we fight against the freedom of other people? It's not taking your freedom away. It's not taking anyone's freedom away. Yeah. If people want to be happy together and they love each other, brothers, sisters, or I am going to be the first person. I'm already first person jo main is cheez ke against hu. Main is cheez ke against hu. Main fully tarike se is cheez ke khilaf protest kar raha hu. Main is cheez ko nahi manta. Main aapko sach bata raha hu. Main is cheez ke puri tarah against hu. Aur main aapko yahi bolunga कि ये गलत चीज है। दिस इज एंजल। मैं आपको एक वार्निंग साइन दिखाना चाहता हूँ और ये है अमेरिका ओक्लाहोमा के किंगफिशर टाउन के एक पिक्चर हॉल के बाहर का वार्निंग साइन, जिसके ऊपर मैं आपको बता दूँ क्या लिखा हुआ। आप भी पढ़ पा रहे होंगे, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, अटेंशन पेरेंट्स, द मैनेजमेंट थिएटर डिस्कवर्ड आफ्टर बुकिंग लाइट ईयर दैट देयर इज अ सेम सेक्स किसिंग सीन विद इन द फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ द पिक्चर मूवी। We will do all we can to force forward through the scene, but it might not be exact. We apologize for any inconvenience this late discovery of this scene causes. यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हम माफ़ी मांगते हैं क्योंकि मूवी में एक सेम सेक्स को किस करते हुए सीन दिखाया गया है और उसकी वजह से एक इनकन्वीनियंस कई लोगों को आपत्ति हुई है और इस वार्निंग साइन में पिक्चर हॉल को पेरेंट्स से माफ़ी मांगनी पड़ी और उन्होंने कहा कि हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि इसमें सेम सेक्स किस है और इसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इनकन्वीनियंस आप लोगों ने देखी है, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ़ कीजिए और हम इस सेम सेक्स किस को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे जिससे आप लोगों को आपत्ति ना हो। अब प्रॉब्लम की बात यह है कि देखिए, अमेरिका जैसी जगह में लोग इतने अवेयर हैं कि वो लोग तो इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पिक्चर हॉल को ये सीन को फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ रहा है और माफ़ी भी मांगनी पड़ रही है। पर आज आप अपने बच्चों के साथ टीवी को देख रहे हैं, मूवी ट्रेलर को देख रहे हैं और मूवी ट्रेलर एक आता है जिसमें आयुष्मान खुराना को वो दिखाया जाता है कि वो एक सेम सेक्स के आदमी से अट्रैक्ट हो रहा है और उसको बाकायदा किस कर रहा है लिप टू लिप। आप अपने बच्चों के साथ देखते हो और आपको कोई आपत्ति नहीं होती। आपको वैसे बहुत चीज़ों में आपत्ति होती है पर इस चीज़ के लिए कोई भी प्रोटेस्ट करने को तैयार नहीं। बाइबल का प्रचार करो, अभी कईयों को आपत्ति होने लगेगी। उस वक्त तुम लोग कहाँ चले जाते हो जब इन सब चीज़ों का काम हो रहा होता है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में फीड कर दिया गया है कि ये चीज़ नॉर्मल नेचुरल है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैंने इस चीज़ को लेकर एक पब्लिक ओपिनियन करा। योर नेम? जूलिया। यू आर फ्रॉम? फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस से? अभिनव दीक्षित। तो आप क्या करते हैं अभिनव? आई एम एन एडवोकेट। सलाइना? Yeah. And what's your? Priyanka. Okay, Julia, this is the Pride month, you know. So even India is also celebrating in the month of June as a Pride month. Mm-hmm. I want your opinion. What's your opinion about homosexuality? Well, I think love is a natural thing and it's a beautiful thing. Huh. And it doesn't matter if it's like between men, women, women with women or men together. Mm-hmm. It's just love and it's just natural. So I think homosexuality, it's really like not a problem and it's a beautiful thing and people okay. should be able to love each other. आप क्या कहते हैं, ये चीज गलत है, सही है? आप इसे सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं तो सपोर्ट क्यों करते हैं, नहीं करते तो क्यों नहीं करते, बताएंगे? सी, आई डू सपोर्ट। आई डोंट थिंक कोई ऐसा रीजन है कि डिस्क्रिमिनेट किया जाए, बट जस्ट लाइक बाकी सोशल इवेंट्स हैं तो ये भी एक तरह से प्रेजेंट है हमारी सोसाइटी में। एंड जस्ट बिकॉज कि कोई चीज किसी को समझ नहीं आ रही डजंट मीन कि वो गलत है। अच्छा, दिस इज व्हाट आई थिंक। इट्स नॉर्मल। इट्स अबाउट लाइक सेक्सुअलिटी इज नॉट समथिंग दैट कैन बी क्वेश्चन्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक इट्स वेरी पर्सनल एंड व्हाटएवर यू फील, हूएवर यू लव, It's pretty much normal. So homosexuality is normal and it should be talked about more. So yeah. There's nothing right and wrong in that. It's what you feel. What I'm just trying to say that can you convince me? I'm saying that homosexuality is not natural and it's wrong. So can you convince me that why it is natural and why it is right?
and why it is not immoral. So if you think it's not natural, that means love is not natural. So that would be, there is two kind of love, mm-hmm. one which is not natural and one it is natural. Okay. I think there is no such things. So aapko kya lagta hai ki hum logo ko phir ye cheez kaun batayega ki kya cheez moral hai, kaun si cheez immoral hai? आज से 10 साल पहले 15 साल पहले होमोसेक्सुअलिटी को मेंटल इलनेस बोला जाता था और अभी अमेरिका में प्रोटेस्ट बहुत हुआ है डिज्नी के खिलाफ क्योंकि डिज्नी की जो अभी नई मूवी आई है लाइट ईयर उसमें एक एजेंडा के तौर पे लेस्बियन जो कपल है उन लोगों को आपस में किस को एक्सचेंज करके दिखाया तो अमेरिका में इस चीज़ को लेकर बड़ा ही वो किया गया क्या कहते हैं प्रोटेस्ट किया गया कि आप अपनी मूवीज बना रहे बनाइए बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बट उसमें आप अभी से ये ले और गैसबियन लेस्बियन और ये काय को दिखा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर तो वो लोग इस चीज़ को प्रोटेस्ट करते हैं इंडियन मीडिया इस चीज़ को जानबूझ के नहीं दिखाती है क्योंकि वो लोगों को लिबरल एजेंडा को ही वो लोग प्रमोट करते हैं तो इसलिए हमें यही नहीं पता रहता कि वो गलत है या सही है हम लोगों को यही लगता है कि जो अंग्रेज कर रहे हैं वो सही है और हमें भी वही चीज़ को करना चाहिए हम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते अगर हमें लगता है कि वरना लोग हमें आउटडेटेड समझेंगे जबकि लोग वहाँ पर भी उस चीज़ को क्या करते हैं प्रोटेस्ट करते हैं या उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो आपको क्या लगता है कि फिर कौन सी चीज़ मॉरलिटी और इमॉरलिटी को डिसाइड करेगी सी बाकी आई थिंक हमको यूएसए यूके वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन देयर उससे कंसर्न होने की इतनी ज़रूरत है नहीं बिकॉज हमारे इंडिया में अलग तरह के इश्यूज़ हैं आई कैन शेयर वन एग्जाम्पल विद यू लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड हु केम आउट टू हिज फैमिली एंड आई रिमेंबर ही सेड कि कैसे उसकी फैमिली उसको किसी बाबा के पास ले गई और वो तांत्रिक से झाड़ फूक कराई गई सो यूएस के अपने प्रॉब्लम्स हैं हमारे अपने प्रॉब्लम्स हैं बट जो यूएस में हो रहा है उसका तो सारा इम्पैक्ट इंडिया में और हर जगह पड़ता है यूएस में लीगलाइज जब से हुई है तभी तो इन लोगों ने भी यहाँ वालों ने बोला कि जल्दी से इसे लीगलाइज करो तो हर चीज़ में तो कॉपी कैट आप यूएस के और अमेरिकन और वेस्टर्न सोसाइटी की बनते हैं चाहे वो हमारी मूवीज़ हो हमारा म्यूज़िक हो या हमारे रियलिटी शोज़ हो हर चीज़ तो वहीं से आ रहा है तो नेचुरल सी बात है तो फिर उसका भी तो यही फ़र्क पड़ रहा अगर वो लोग नहीं करते अंग्रेज़ नहीं करेंगे गोरे नहीं करेंगे तो ये भी नहीं करेंगे गारंटी से नहीं आई डोंट थिंक सो कि हमें इस तरह से आई डोंट थिंक हमें इस तरह से सोचना चाहिए बिकॉज कंपेयरिंग इंडिया विद यूएस और यूके और एनी अदर कंट्री इज़ नॉट गुड इंडिया के अपने एथिक्स हैं अपना लॉ है एंड वन मोर थिंग आपने बोला कि इंडिया में जो मीडिया है वो उस चीज़ को नहीं दिखाता Why would they show it? आप जानते हैं कि इंडियन मीडिया का भी एक नेगेटिव साइड है दे वर्क फॉर द TRP जी हमारा जो मेजोरिटी है शायद उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था वो उसको नहीं शो कर रहे आई थिंक आई डोंट सी एनी मीडिया कवरिंग एनी प्राइड जो ना, बहुत कोई कवर नहीं नहीं, नहीं इंडिया टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया इन लोगों का तो बिल्कुल हर दिन वही चलती रहती है आप देखिए उनके पेज को फॉलो करिए ये तो बिल्कुल दे आर डाइंग टू प्रमोट इट मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जो इशू चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं पर मैं आपको ये बात पूछना चाहता हूँ कि आपको जो आप ये बात कह रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको क्या लगता है ये आपकी खुद की आवाज़ है या ये एक इको है क्योंकि हर कोई जिससे ये बात बोली जाती है वो सब यही बात बोलते हैं आपको नहीं लगता कि ये पर्टिकुलर चीज़ को सेलिब्रिटीज़ के थ्रू रोडीज़ जैसे प्रोग्राम्स के थ्रू सत्यमेव जयते जैसे प्रोग्राम के थ्रू मूवीज़ के थ्रू इस चीज़ को प्रोग्राम करके आपके दिमाग में डाला गया है कि आप इसी चीज़ को बोलें कि हाँ जी लव इज़ लव एक ही भाषा सब क्यों बोलते हैं कोई भी अलग ओपिनियन क्यों नहीं होता इसका मतलब क्या मीडिया ने प्रोग्राम नहीं करा लोगों को एक ही बात बोलने के लिए So what do you want ki so criticize kiya jaye nahi ma'am should be there is two kind of love mm-hmm. one which is not natural and one it is natural okay. I think there is no such things and mm-hmm. like if there are real brothers and sisters yes and they just having feelings for each other and they just want to be in a relationship or they want to they just want to have a sexual relationship with each other and they are saying giving the same excuse that love this is a love and love is natural so In the same way, they can use the same excuse. So, can this excuse work for them also? If this is another question about incest, right? Yeah. If you think about that, but then, yeah, I mean, there is. It's another question with brother and sister, I think. And it's like because you have the same parents and the same education, and sometimes you never know, also which soul is in this body, right? Is there a brother and sister, but you don't know the soul also. So this is a specific thing, then it's hard to answer. There are people, they are mothers and sometimes they are mother and sons and the father and daughter, they say that okay, we are having feelings for each other and people just taking them as a taboo. They are taking them as a taboo. Yeah. The same way 20 years ago, people were taking homosexuality as taboo, that it is taboo, that if man is having a feeling for man and the woman is having a feeling for women, it was regarding as a taboo, right?
So right now there is a movie Lightyear, Disney movie Lightyear, and even people protested against it because it is an animated movie. That movie is for kids, and they showed and they just there is a scene in the movie where lesbian couple were kissing each other. Don't you think it is the agenda, and through agenda even they are using the movies, even the movies which must be created, the content which must be created for the kids, they are showing that there is a lesbian, there is a gay love. Don't you think that they are programming the generation just to accept the propaganda? No, I think it's just showing like the freedom of choosing who you love. And I think it's always, there are always being homosexual people. It's just that back in the time, it was suppressed and people could not express and they have to hide and be miserable and like be sad their whole life. I think it's just showing that you should follow your heart. And if you feel like you love someone, it's a beautiful thing, whatever, it's a woman or a man, and you should just follow your heart. Okay, बोल रहा हूं। हाँ। आप मुझे इस चीज को बता सकते हैं कि अगर आज से 10 साल के बाद, 15 साल या 20 साल के बाद, माँ और बेटा बोले कि हम लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग है और हमारा कंसेंट है क्योंकि हम एडल्ट्स हैं, हम एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में रह सकते हैं, तो क्या वो लोग भी ये कहें लव इज लव, इसे एक्सेप्ट करें, क्या वो चीज़ सही होगी? Why not? लेकिन एक चीज ये भी है कि पाथ ब्रेकिंग चेंजेस ना ओवरनाइट नहीं हो सकता. आप एक चीज सोचिए, आप एक चीज सोचिए, लाइक धीरे धीरे सी खिलाया जाता है. सी आई मीन माई 20s. जी अभी हम, मेरी जो सोच बनी है, आई थिंक मेरे बच्चे होंगे उसके बाद उनके बच्चे होंगे तब तक वो सोच बहुत बदल जाएगी. लेकिन मेरे ग्रैंड फादर और मेरे फादर की जो सोच है, आई कांट एक्सपेक्ट हिम कि वो एक ही रात में चेंज हो जाए. तो आपको नहीं लगता कि हमारे मॉरल वैल्यूज दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि उनको रिफॉर्म होने की जरूरत है? इसका मतलब अगर माँ और बेटा या बाप और बेटी आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहना चाहें तो आपके हिसाब से वो गलत होगा या सही होगा? यू आर सेइंग माँ और बेटा? हाँ, और बाप और बेटी वो लोग कहें कि हम एक, हमारा कंसेंट है और हमारे अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, भाई बहन कह सके, तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत चीज़ है. तो होमोसेक्सुअलिटी को आप कैसे कह सकते हैं फिर? आज से 15 साल, आज से अबाउट होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अबाउट कि एक फादर अपने बेटे के साथ सेक्स नहीं, 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 तो लड़का भी तो लड़के के साथ कर रहा है. तो ये 15 साल पहले कंसेंटिंग एडल्ट्स, दो आई थिंक दो कंसेंटिंग एडल्ट्स का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए. इट सेज कि एक लड़का किसी लड़के से प्यार करता है. एग्जैक्टली, अब आपको गुस्सा आ गया ना? इस तरह अभी देखो, आपको ये बात सुन के गुस्सा आ गया. 15 साल पहले जब ये बात बोलते थे कि आदमी आदमी के लिए फीलिंग रखता है और वो एक दूसरे से सेक्स करे, लोगों को ऐसे ही गुस्सा आता था. वो कहते थे दिस इज मेंटल इलनेस. लोगों को 15 साल के अंदर प्रोग्राम किया गया है मूवीज के माध्यम से, रियलिटी शोज के माध्यम से, कि ये लोग इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, और लोगों ने अब उसे एक्सेप्ट करने लगा. अभी 10 साल और 15 साल के अंदर इसी तरीके से लोगों को प्रोग्राम करके बता देंगे कि भाई बहन भी एक दूसरे से प्यार करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है, नहीं करेंगे, वो बता देंगे उस चीज को. कैसे, कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन डिसाइड करेगा इसे? कौन डिसाइड करेगा? सोसाइटी. हमारी लॉ तो होमोसेक्सुअलिटी को गलत मानती थी, लेकिन वो आर्टिकल हटा दिया, तो आपको नहीं लगता कल वो आर्टिकल? अच्छा ठीक है, आप बताइए, आज के समय में स्ट्रेट कपल्स कौन है? एक लड़का और एक लड़की, राइट? तो क्या एक फादर ये बोल सकता है कि मैं अपनी बेटी के साथ में रिलेशनशिप रखूं? आज नहीं बोल सकता ना. क्यों नहीं बोल सकता? मैं वही बता रहा हूं, वही रीजन है कि क्यों एक फादर वही में आ रहा हूं बेटे के साथ नहीं. जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी को 15 साल पहले अगर आयुष्मान खुराना, दिखाना ये जरा, शो मी दिस. इसमें देखिए, अगर आज से 15 साल पहले, सच बताइएगा, 15 साल पहले अगर आप ये वाला ट्रेलर अपने टीवी पे देखते तो आपका रिएक्शन यही होता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? सच बताइएगा, होती 100% होती. आपने रोडीज देखा, आपने सत्यमेव जयते देखा, आपने मूवीज देखी, लोगों को प्रोग्राम किया गया मीडिया के थ्रू कि आज आप इस चीज को एक्सेप्ट करने लगो कि अगर मूवी का ट्रेलर आप अपने बच्चों के साथ मूवी देख रहे हो. मिलेनियल्स को बकायदा ये प्रोग्राम किया गया है मीडिया के थ्रू कि वो लोग मॉरलिटी और इमोरलिटी को क्या कहते हैं, हर इमोरल चीज को मॉरल समझो और समझे ही ना फाइनल क्या है. और जनरेशन जी को तो बिल्कुल ही वो कर दिया ब्रेन वॉश कि उन लोगों को पता ही ना रहे कि मॉरल और इमोरलिटी क्या होती है. I don't accept it. अगर ऐसा कुछ negative propaganda चल भी रहा है, वो लोग, अरे propaganda चल रहा है brother, agenda चल रहा है. उन लोगों का पहला agenda था, सुनिए, Obama को बैठाया काय को अमेरिका में, Obama को बैठाया उसके elections को, yes, यही उसके campaign को, उसके campaign को जिन लोगों ने sponsor करा वो homosexual थे, और उसने बैठते ही homosexuality को अमेरिका में legalized करवाया. उसके बाद आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो आप कह सकते हैं कि उनकी टीम में जितने भी लोग होंगे उसमें से कोई होमोसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल? नहीं पता, मैं नहीं कह सकता. दे आर नॉट ओपन, इट डजंट मीन कि वो है नहीं. मुझे नहीं पता, हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे जो बात बोल रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंट? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इंडिया वो करता है
जो भी वेस्टर्न सोसाइटी करता है वो उसका कॉपी कैट है। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ मिलेनियल्स को और उसके बाद जो जनरेशन जी है उन लोगों को बाकायदा प्रोग्राम किया गया कि वो मॉरलिटी और इमोरलिटी का फर्क ही ना समझ पाए कि गलत कैसे क्या। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ आपको गुस्सा आया कि जब मैं भाई बहन की बात कर रहा हूँ आपस में। अगर रियल ब्रदर्स आज से 15 साल के बाद ये बोले ना हम एक दूसरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, हमारा कंसेंट है, हम अडल्ट हैं, सेम एक्सक्यूज वो बनाएंगे, क्या आप उसे कह सकते हो गलत है? ये गलत है। कैसे कह सकते हो? कैसे? सी आई एम अ लॉयर, आई नो कि लॉ भी इस चीज की अगेंस्ट है। लॉ तो होमोसेक्सुअलिटी पे गलत कहती है, लेकिन लॉ को चेंज कर दिया ना, लॉ को चेंज कर दिया, आर्टिकल हटा तो दिया। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कल को लॉ ऐसे भी चेंज होगा कि एक हस्बैंड अडल्ट्री भी तो हटा दी इन लोगों ने, अडल्ट्री भी तो गलत थी लेकिन लॉ में से वो भी तो हटा दी कि कोई बात नहीं अडल्ट्री अब इलीगल नहीं है, ये भी तो हटा दी गई। सर अडल्ट्री का जो कॉन्सेप्ट आप कह रहे हैं वो गलत है, उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और, लेकिन उसे हटाया ना। होमोसेक्सुअलिटी भी तो लॉ के हिसाब से गलत थी बट उसको भी तो हटा दिया ना आर्टिकल को। कब हुआ? जब अमेरिका में हुआ। उसका प्रभाव सारा यहाँ पड़ता है। आपके रियलिटी शोज, आपका रोडीज, आपके सेक्युलर शोज जो ज्यादातर हैं वो सारे वहीं के हैं और इसको लिबरल लोग जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर शो? सेक्युलर शोज मतलब जिनका धर्म से जिनका कोई रिलेशन नहीं है, मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ। हाँ, सारे ही जो भी अपना बिग बॉस हो गया, अपना कोई भी हो गया एक्सप्रेसिडेंट, जितने अपने नॉन सेक्युलर्स भी होते हैं, लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब सेक्युलर को जब मैं शब्द को लेकर आ रहा हूँ, मैं लिबरल शब्द का एक्चुअली इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। वन लास्ट क्वेश्चन, यू जस्ट टोल्ड मी दैट लव इज नेचुरल and there is no problem if they are showing that lesbian couple or the gay couple is kissing each other and even the kids can watch it. Could you please let me know that what is the fine line between morality and immorality? Who is going to decide that this is moral and this is immoral? How will you decide that this is natural or this is unnatural, this is moral or this is immoral? If 20 years later or the 10 years later, if real brothers and sisters are going to say that love is natural and we want to marry each other, and they will say that it is about consent and we are having a feeling and it is natural, so who is going to decide that this is moral and this is immoral? Because homosexuality was also regarded as immorality, as immoral. That was not moral just 10 years ago, 20 years ago. So tell me, how would you decide that this is moral and this is immoral? I'm not able to decide anything, and I think no one should judge and decide this is moral or immoral. If two people want to be happy and they love each other, what's wrong? Why should we fight against the freedom of other people? It's not taking your freedom away. It's not taking anyone's freedom away. If people want to be happy together and they love each other, brothers, sisters, or like men and men and women and women, if they have the feeling and the calling, why should be miserable and separate? Like, so, Julia, are you serious that there is no problem if the brother and sisters want to have the sexual relationship? No, I'm not saying that. It's not immoral. It's not about having a sexual... I'm just asking you a question. Yeah, I just said that can you help me out if... You completely changed the subject. Who is going to decide? You change the subject from homosexuality from two people because meeting they and both, have a feeling. Because it's not the same. It's the same thing. Was 10 years ago when it was about the homosexuality. Yes. People were regarding it as a mental illness in 70s, yes. in 80s. Yes. Right? It was a taboo. Right? Yes. Now, if brother and sister are going to marry each other, it is a taboo. Yeah. Right? Even the people who are going to marry themselves, they are saying that we are having feeling for the tree and I want to marry a tree. They are saying that it's a pride. They are showing their pride that, okay, we must be, you should accept one's individuality, right? But my question is this, that how could you convince me or can you help me out that who is going to tell me that what is the fine line between morality and immorality? If 10 years ago, 20 years ago, if real brother and sister or father and daughter want to marry each other, so who is going to tell them that this is wrong? If they would say, how can you say this is wrong? Who says this is wrong? It's another subject to talk about incest and like relationship between the family. It's another thing. Mm-hmm. It means you are not having the standard. Who is going to decide? No. The fine line. No one. I don't know who's going to decide. It means there is no problem. Agenda will work out. It will expand more and more and more. No. It's not the same. They're only kids.
आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि फादर अपने बेटे के साथ रिलेशनशिप में, हाँ, क्योंकि जब आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू से दैट दिस इज रॉन्ग, आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट पर्सन, मैं ऑलरेडी फर्स्ट पर्सन जो मैं इस चीज के अगेंस्ट हूँ, मैं इस चीज के अगेंस्ट हूँ, मैं फुली तरीके से इस चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मैं इस चीज को नहीं मानता, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं इस चीज के पूरी तरह अगेंस्ट हूँ, और मैं आपको यही बोलूंगा कि ये गलत चीज है, जनरेशन को प्रोग्राम कर दिया गया है, मोरल वैल्यूज गिर गई हैं, आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो, इसलिए आज नेचर लोगों के इतने अगेंस्ट जा चुका है, नेचर इतना एबनॉर्मल हो चुका है, इतनी जल्दी जल्दी चीजें अर्थ क्यों फ्लड्स वायरसेस हो रहे हैं, क्योंकि लोग ईश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। मैं एक बात बोलूंगा, ये क्या ही नया कॉन्सेप्ट आप लेकर, नहीं मैं बोल रहा हूँ ईश्वर के खिलाफ कैसे, मैं फैक्ट्स बताऊंगा। देखिए जितनी भी कंट्रीज हैं, स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, मैं इसलिए बात बोलूंगा, उनके जो प्रिंसिपल्स रहे हैं वो बिब्लिकल प्रिंसिपल्स रहे हैं जिसके ऊपर उनको उनकी फाउंडेशंस डाली गई हैं, ठीक है ना, बाइबल के हिसाब से वो चीज़ बिल्कुल, बाइबल मुझे बताती है कि ये चीज़ गलत है या चीज़ गलत है या सही है, वो बताती है कि अगर आप जानवर के साथ सेक्स कर रहे हो तो गलत है, रिलेटिव किसी अपने क्लोज रिलेटिव्स के साथ सेक्स कर रहे हो वो भी इमोरल है, वो भी गलत है, आदमी आदमी के साथ कर रहा है वो भी गलत है, और औरत औरत के साथ कर रही है वो भी गलत है, तो मेरे पास फाइन लाइन है इस चीज़ को डिसाइड करने की कि गलत क्या है और सही क्या है, और अगर मेरे पास फाइन लाइन नहीं होगी तो लोग मुझसे कहेंगे चिड़िया उड़ कौआ उड़, उसके साथ गाय भी उड़वा देंगे और घोड़ा भी उड़वा देंगे, और मैं उसे भी उड़वाऊंगा कि वो कहेंगे सब कुछ नॉर्मल है और सब कुछ लीगलाइज करो, क्योंकि लोग यहाँ पर नहीं रुकने वाले ब्रदर, 15 साल पहले वो कहीं और, उन्होंने कुछ और बाउंड्रीज को पार करा, आपको लगता है 10 साल के बाद यहाँ पर रुक जाएंगे, 10 साल बाद ये मॉरलिटी की वैल्यूज और गराब खराब होने जा रही है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, और खराब, अगर हम अभी नहीं जागे तो हम पता नहीं कब जागेंगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। A father and a son, or a brother and sister, they are already relative. They have the same blood. They come from the same roots. It's very different. They will have compare. The excuses. They'll have the excuses. They also used to say scared. That. Listen, I just want to. Even people used to say that if the gay couple are going to have the sex, there are the higher chances to catch the STD, higher chances to get the HIV. There are scientific proofs. No. You will have the higher chances to get the STD diseases. No. If they are gay couples are having the sexual relationship, no, then what would gay. You say? No, sexual, yeah, you can search it right now. You it's can search sexual it. Sexual transmission. It yeah, can be. Yeah, that's what men I'm saying. Men and women can also have it in this way. They can have. If men and women are having the sexual relationship, they can have the STD, but the higher chances when the man is going to, man and man is so going to have so it's very bad for them and they have chances. To be precaution. That's what I'm saying. They just you can search it right now. Condoms, and that's it. So, you couldn't give me the fine line. That who is going to decide the fine line between morality and immorality? You couldn't give me the. No, because I don't know who can give like morality and okay, immorality. Okay, I want to say one last thing. You know, I read the Bible. I'm the follower of Jesus Christ. Yes, okay. Yes. And my Bible and says, and love it tells everyone. Me, it's about it love. Loves everyone. But listen, if my brother he is having the drug addiction, I'm not going to love the drug. I'm going to love my brother, but I'm going to hate the drug. In the same yes. in the same way Jesus said, love the sinner but hate the sin. So I'm going to hate the homosexuality, but I love homosexuals. I love gay. I love lesbian people. But I'm not going to accept whatever people are saying. Otherwise, 10 years later, they will come out with something new. Yeah, no. I'm telling you, they will come out with something new. I'm telling you, just write down my words and you will. Remember my name. My name is Angel. No, okay, no, you can search me on Angel V Chandra on YouTube, and they will say that even brothers and sisters can have the relationship. This is the agenda of Illuminati. This is the agenda of secret yeah. society. They if want to corrupt so. The generation. Yeah, I'm yeah. telling you. So thank you, thank you so much to be the part of this debate, and yeah. you just gave your I opinion. I appreciate your opinion. I hope you will. And I'm not homophobic, I'm telling you. Yeah, yeah, I'm not. Yeah. I love gays, lesbian people, I love yeah. gay people, but at the same time, I hate homosexuality. Don't forget yeah. it's about love. Yeah. And it's love doesn't it's mean. About love. Love doesn't. No, it's about not love. All. Love doesn't yes. mean that you are going to accept anything or everything. Yes. I'm telling you, this is the last days. I'm telling you. Yes. The morality is falling down. Mm-hmm. I'm telling you. It's inviting the wrath of God. I'm telling yeah. you, that's why in the Bible, Sodom and Gomorrah was destroyed by the fire. Just because of this sin, I'm telling you. And yeah. people just normalize this. Okay. I love it. I yeah. love them. Even they are homosexuals, even they are straight. I love them. But at the same time, I don't accept the agenda. Okay. Thank you so much to be yeah. the part of this. Okay, thank you. Nice meeting you. Bye. Hollywood.
वो उसको यूज करते हैं और यहाँ के सेलिब्रिटीज वहाँ के सेलिब्रिटीज को देखते हैं, इन्हें लगता है वो लोग जो कर रहे हैं हमें उन्हीं को कॉपी करना है, थोड़ा गोरा ज्यादा गोरे को कॉपी करता है, सिंपल सा फंडा ये है। नहीं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये बात, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको इस बात की, और उन्हें लगता है वही चीज़ करो और उसी का वो चीज़ नॉर्मल है। तो मैं समझता हूँ कि ये, मैं समझता हूँ हम अपनी इंडिविजुअलिटी को खो रहे हैं, और मेरे हिसाब से मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं जो मैं पोस्टर फाड़ा है क्योंकि मुझे बुरा लगा कि मैं नहीं चाहता मैं अपने अगर बच्चों के साथ या मैं अपने छोटों के साथ ये टीवी पे देखूं और ऐसा करके वो दिखा रहे हैं कि आदमी आदमी को किस कर रहा है, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। देर इज़ अ स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन, ठीक है, सेक्स एजुकेशन इज़ वॉट, स्कूल्स में हमको बताया जाता है कि एक लड़का और एक लड़की, उनमें शरीर में चेंज होता है, बदलाव होता है, इमोशंस नए आते हैं, तो लेकिन उन इमोशंस से आपको डील करना है, आप उनमें बह नहीं जा सकते, अगर उसमें बह जाओगे तो नेगेटिव करोगे। लेकिन इसी तरह से हमें उनको ये भी बताना है, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, हमें उनको ये भी बताना है कि अगर ये होमोसेक्सुअलिटी एक कॉन्सेप्ट है तो इसमें लिमिटेशंस क्या है, इसमें रेस्ट्रिक्शंस क्या है, इसमें मॉरल क्या है, इसमें इमोरल क्या है। अगर छोटा बच्चा, एक 14-15 साल का बच्चा अगर इस चीज के टच में आएगा तो वो अभी कैपेबल नहीं है कि समझ पाए क्या सही है क्या गलत है। में 10-10 साल के बच्चों को यूज कर रहे हैं, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, और वो लोग कह रहे हैं कि देखो, और एवन अभी तो उसने इलॉन मस्क के बेटे ने अपना कह दिया मेरे बाप का नाम हटा दो, वो कह रहा है कि मेरे को अपना सेक्स चेंज करवाना है, मैं गलत बॉडी में हूँ। लोग बिल्कुल, ये जनरेशन को क्रेजी बना दिया गया है, वाइल्ड बना चुका है, वो कह रहे हैं मैं गलत बॉडी में हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं, हाँ हाँ हाँ, अगर कोई 10 साल के बच्चे का सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाता है उसके अगेंस्ट पिनल एक्शन हो सकते हैं, ही हो सकता है ना, लेकिन अभी वहां शुरुआत हो गई ना, तो आप याद रखना अगर वहां शुरुआत हो गई है, अगर तो यहां पर भी हो जाएगी, वहां पे भी हो जाएगी, तो यहां पे उतने हैं ब्रदर, क्योंकि उसी को कॉपी करते हैं। क्या मैं आपको गारंटी, क्या कॉपी किया, गोरो को हर चीज में कॉपी कर रहे हैं, तो क्या हमने उसको अलाउ करा, हर चीज क्या कोर्ट्स ने उसको अलाउ करा, होमोसेक्सुअलिटी को फिर काय को अपनाया, उन लोगों ने करा तभी तो करा, उन्होंने एक पॉजिटिव, उन लोगों ने जैसे लीगलाइज करा, उन्होंने एक पॉजिटिव कांसेप्ट को एक्सेप्ट करा, उन लोगों ने लीगलाइज करा फटाफट, हमें भी प्राइड रैली निकालनी है, हमें भी प्राइड मंथ बनानी है कि फटाफट हमने करा ब्रदर, ये बहुत लंबी लड़ाई थी ब्रदर। आप मूवीज को देख लो, सारी मूवीज वहां से इन्फ्लुएंस है या नहीं है, जितना फैशन देख लो, जितना आप हर चीज को उठा के देख लो, सब कुछ वहां से इन्फ्लुएंस है ब्रदर। हर किसी कहीं का एक हेड होता है, जब सर कुछ करेगा तो बॉडी अपने आप करेगी, आप मानो या ना मानो, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन लोग कॉपी करेंगे, होता है, वहां से कोई चीज ओरिजिनेट हो रही है और इंडिया में उसे कॉपी किया जा रहा है, दैट्स द ट्रुथ, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर मैं हर चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला और इस चीज को मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। आई एम ऑफ द सेम व्यू कि जो गलत चीजें हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, जैसा आपने बताया कि फादर और मतलब बाप बेटे के साथ में, माँ बेटी के साथ में, दिस इज रॉन्ग। तो अभी ये यहाँ तक जाएगा, नहीं नहीं अभी आप कर रहे हैं ना, लेकिन आपको पता है 15 साल के बाद, लेकिन 15 साल के बाद आप याद रख लेना, अगर ऐसा होने जा रहा है ना, तो आई थिंक कल को ये भी फिर आप कहेंगे कि लॉ बन जाएगा कि एक बाप जो है अपनी बेटी कर सकता है, यही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे इसको बना दिया वैसे उसको, मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर ये यहाँ नहीं रुकेगा तो आगे नहीं रुकेगा, क्योंकि कल जो टैबू था, कल जो टैबू था, शादी करना बंद करा दो किसी, मैं तो नहीं कह रहा ब्रदर, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कल जो टैबू था, मैं वही बता रहा हूँ, मैं फ्यूचर को देख रहा हूँ, पास्ट को देखकर, मैं जो जानता हूँ कल जो टैबू था उसको आज नॉर्मल कर दिया और उसको आज लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया, आज जो टैबू है उसे कल लोग नॉर्मल कर देंगे एजेंडा के थ्रू प्रोग्राम करके। आज की डेट में टैबू ये भी है कि अगर एक बाप बेटी के साथ में रेप कर देता है, ऐसे केसेस हुए हैं, वी हैव सीन, जहां पे उसको किडनैप कर दिया, बॉन्डेज करके उसके साथ रेप हुआ है, 16 इयर्स तक हुआ है, तो वो भी तो टैबू है। हाँ आप है। अगर आपकी थ्योरी के हिसाब से चलें तो कल को फिर ये भी वो कहेंगे रेप चलो छोड़ो, रेप छोड़ो, रेप तो क्योंकि जबरदस्ती है, वो कहेंगे भाई हम तो रेप नहीं कर रहे, अगर कंसेंट के साथ में बाप, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, बेटी के साथ रहना चाहेगा तो वो भी अलाउड, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि लोग प्रोग्राम कर देंगे, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी को भी तो टैबू मानते थे 15 साल पहले, ये गलत चीज है, तो लोग क्या इतने बेवकूफ हैं, बेटी के साथ, क्योंकि सेलिब्रिटीज को यूज किया जाएगा, सेलिब्रिटीज को यूज किया जाएगा, मूवीज को यूज किया जाएगा, इतना ब्लाइंडली ब्रदर, अभी हो गया ना ब्लाइंडली फॉलो, सेलिब्रिटीज को यूज किया गया है, फिल्म स्टार्स को यूज किया गया है मूवी के थ्रू, जब तो आप ये बात बोल रहे हैं लव इज लव, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 15 साल पहले 20 साल पहले आप इस पोस्टर को, इस ट्रेलर को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, वहां से धीरे करते करते प्रोग्राम इन लोगों को यूज करते करते मूवीज में इस चीज को, क्योंकि सेलिब्रिटीज, और अब मैं एक और बात बता देता हूँ, सेलिब्रिटीज की चाहे हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, इनकी सेक्सुअलिटी कंट्रोल में नहीं होती है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, ठीक है ना, वो लोग अपनी जब सेक्सुअलिटी पे कंट्रोल नहीं कर सकते और जिस चीज़ पे वो कंट्रोल नहीं कर पाते, ये बात याद रखिएगा,
वो लोग उस चीज़ को अपने एजेंडा में दिखाएंगे, ये बात याद रखिएगा कि वो चीज़ भी ठीक है, उसमें कोई भी गलत नहीं है, उसमें कोई चीज़ नहीं। अभी नेक्स्ट एजेंडा मैं आपको बता देता हूँ, पीडोफाइल को भी नॉर्मल करेंगे ये, यानी आप बच्चों के साथ भी सेक्स करते हैं। आपको मैं बता दूँ क्लोज रिलेटिव्स के साथ भी सेक्स किया जा सकता है। ये अभी धीरे धीरे एजेंडाज रिवील होंगे, अभी देख लो, अभी देख लो 10 साल, आपको क्या लग रहा है ये यहाँ रुक जाएगा, ये रुक जाएगा यहाँ। मूवीज ब्लैक एंड व्हाइट आती थी ना, ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज में कोई लिप टू लिप किस नहीं कर सकता था, अगर उस वक्त करते हुए दिखाते तो उस वक्त लोग उस चीज़ को कोसते और गलत कहते, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे हम आज की मूवीज़ को देखें तो आज वो चीज़ वहाँ तक आ गई है कि आदमी और आदमी को भी लिप टू लिप किस करते हुए दिखा रहे हैं। यानी धीरे धीरे अगर आप देखेंगे नंगपन, वायलेंस, आज स्टैंड अप कॉमेडी, कॉमेडी पहले भी होती थी, मिमिक्रीज पहले भी होती थी, बगैर गंदे शब्द को इस्तेमाल करें नहीं होती, होते होते ये हो कहाँ सबसे रहा है, सब वेस्ट को देखते हैं, जो वहाँ पर होता है उसी को ये लोग फॉलो करते हैं, सिंपल सी बात ये है। तो होते होते हमारा स्तर यहाँ तक गिर चुका है, और मैं इस चीज़ से कन्विंस नहीं हो सकता कि जब यहाँ से 10 से 15 साल के बीच में हम इतना गिर चुके हैं, या ब्लैक एंड वाइट से लेकर अभी तक में, तो आगे 10 साल इससे भी ज़्यादा वर्स नहीं होंगे, मैं इस चीज़ को मान नहीं सकता। अभी तो सिर्फ आदमी आदमी औरत औरत हैं, अभी देखिए इससे और भी ज़्यादा वर्स होने वाला है, मैं ये बात बोलूँगा। यही मेरी दूरदर्शिता है, मैं फ्यूचर को देख सकता हूँ, मैं वॉचमैन हूँ तो मैं जानता हूँ कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है ना, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं पास्ट को स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी करते करते मैंने देखा है वो यहाँ तक आ गया, और मैं इस बात को अगर आप ये सोचो ये चीज़ यहीं रुक जाएगी, ये अभी और भी बाउंड्रीज ये लोग क्रॉस करेंगे गारंटी से। एक सिंपल सी बात मैं आपको यही बोलूँगा आखिर में कि आई एम द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट ने एक ही बात बोली है कि लव द सिनर बट हेट द सिन, द सेम टाइम मैं होमोसेक्सुअलिटी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड आई हेट इट, बट द सेम टाइम आई लव होमोसेक्सुअल्स, आई लव गे पीपल एंड आई लव लेस्बियन पीपल, उससे मुझे कोई फर्क नहीं, जैसे मैं स्ट्रेट को करता हूँ प्यार वैसे ही उन्हें करता हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, आई एम नॉट द प्रोग्राम्ड वन, मैं एजेंडा के साथ प्रोग्राम नहीं हुआ और मुझे कन्विंस नहीं कर पाए रोडीज़ या रियलिटी शोज सब फेल हो गए इस चीज़ को बताने की बताने में, जहाँ पर आपने एक ये जूलिया जो कि फ्रांस से है वो भी नहीं बता पाई, ये कोई एडवोकेट है भाई वो भी नहीं बता पाया मेरे को, और भी लोगों से मैंने बात करी उनमें से कोई नहीं बता पाया, जहाँ मैंने उनसे ये बात पूछी कि हमारे मोरल स्टैंडर्ड्स को कौन बताएगा, आप कह रहे हो कि ये लव इज़ लव, लव इज़ नेचुरल, लव इज़ नॉर्मल, तो जहाँ तक लव की बात है अगर मेरे अंदर कोई फीलिंग मेरे क्लोज रिलेटिव के लिए आ जाए, या किसी अंदर किसी और के अंदर आ जाए, भाई के अंदर बहन के लिए, बहन के अंदर भाई के लिए, माँ के अंदर बेटे के लिए, बेटे के अंदर माँ के लिए, या बाप के अंदर बेटी के लिए, बेटी के अंदर बाप के लिए, ऐसे और भी कोई बहुत सारे रिश्ते हैं कि वो भी यही कहेंगे लव इज़ लव, और लव तो किसी से भी हो सकता है, नॉर्मल है और नेचुरल है, फिर वो वैल्यूज़ कहाँ गई, फिर तो कंसेंट की अगर आप बात करेंगे तो दो अडल्ट्स का कंसेंट है, तो अगर इसी का कोई यूज़ करे तो ये भी बोल सकते हैं भाई हम दो भाई बहन कंसेंट से एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों अडल्ट्स हैं और हम अपने फैसले दे सकते हैं, तो यहाँ पर कंसेंट भी आपका फेल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपको कोई मोरल वैल्यू या स्टैंडर्ड चाहिए जो आपकी मॉरलिटी को डिसाइड करे, क्या मोरल क्या इमोरल या क्या गलत है क्या सही है, तो इसका मतलब अगर ये कोई बताने वाला नहीं है तो आज होमोसेक्सुअलिटी और कल कुछ और होगा। मेरे को जो चीज़ सोचने पे मजबूर कर रही थी, अब मुझे जिस चीज़ ने सोचने पे मजबूर किया वो ये कि जितने लोग हैं वो सब एक ही रट्टा लगा रहे हैं कि ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी की कोई दूसरी राय इस पे है ही नहीं, यानी कि किसी को कहीं ना कहीं इस चीज़ को बोलने के लिए प्रोग्राम किया गया हो और एक रट्टा लगवाया हो कि दो एक कम दो नहीं, दो एक कम तीन भी होते हैं, दो एक कम एक भी होते हैं, और मान लो इस तरीके से एक रट्टा लगवाया हो तो सभी के मुंह पे एक ही चीज़ रट गई। और ये रट्टा पता है आपने कैसे लगाया, जब आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को, अपनी मूवीज़ को जब आप देखते हैं, हॉलीवुड और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को या उनकी मूवीज़ को, जब वो इस रट्टे को वो सेलिब्रिटीज़ मारते हैं और उन्होंने यही चीज़ बोली और आप कोई और नहीं है, ये आपकी खुद की ओपिनियन नहीं है, आप उनके असल में इको बन गए हैं। पर आपको पता है इसमें सबसे ख़तरनाक बात क्या है, इसमें सबसे ख़तरनाक बात ये है कि आपने अपने मोरल स्टैंडर्ड्स, यानी क्या गलत है क्या सही है, क्या नैतिक क्या अनैतिक, क्या बुरा और क्या भला है, इसकी कमान आपने सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स, मॉडल्स, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सौंप दी, हॉलीवुड को, बॉलीवुड को और ऐसी और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ को। और इसमें सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये लोग वो लोग हैं जिनकी खुद की सेक्सुअलिटी उनके कंट्रोल में नहीं होती है और इनका जो दिल करता है वो करते हैं,
मैं किसी को जज नहीं कर रहा, बट ये बिल्कुल ट्रूथ है, अंडर कटिंग बहुत कुछ होता है, तो प्रॉब्लम की बात ये है। बट जीसस लव देम, परमेश्वर उनसे प्यार करते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि वो लोग बदले, चेंज हो, रिपेंट करें। बट सेम टाइम ये बात सच भी है कि आपने उन लोगों को अपनी बागदौड़ दे दी है, वो संभाल रहे हैं उसको और वो आपको बता रहे हैं, वो आपको फीड करवा रहे हैं, वो आपको दो का एक नया पहाड़ा सिखा रहे हैं कि दो एक कम दो नहीं, दो एक कम एक होता है, या दो एक कम तीन होता है, या दो एक कम ढाई होता है। और कमाल की बात यह कि किसी की भी इसमें कोई और ओपिनियन नहीं है, पर वो सब यही कह रहे हैं, क्योंकि आप जब देखते होंगे कभी रोडीज़ वगैरह, उस पर किस तरीके से रघु जैसे लोग, ये लोग बाकायदा उस बंदे को ह्यूमिलिएट कर देते थे जो कहता था नहीं सेम सेक्स ठीक नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, आई एम अगेंस्ट इट, तो किस तरह उसे ह्यूमिलिएट करते थे। ये पूरा एजेंडा के थ्रू किया गया। और फिर सत्यमेव जयते जैसे प्रोग्राम्स में आप देखते हैं आमिर खान है, वो होस्ट कर रहा और वो एक किसी लड़की को खड़ा कर देता, वो कहती है कि मैं लेस्बियन हूँ। हाँ, वो बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल है। और पता है आपको, साइंटिफिक डिस्कवरी के तौर पे जिस तरीके से ये चीज़ बार बार बोला जा रहा था कि ये नॉर्मल है, नेचुरल है, ये साइंटिफिक है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे दावे किए। लेकिन आपको पता है कि साइंटिफिक डिस्कवरी में इस चीज़ का पता चला कि गे जीन नाम का कोई भी ऐसा जीन आपकी बॉडी में नहीं होता, ये जेनेटिक बिल्कुल भी नहीं है, गे जीन नहीं होता किसी के अंदर भी। लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब जो भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या मॉडल इंडस्ट्री या मॉडलिंग इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, सॉरी मॉडलिंग इंडस्ट्री नहीं, ये लोग जो लोग होते हैं, देखिए ये दे आर टू मच इनटू हाइपर सेक्सुअलिटी। और जब हाइपर सेक्सुअलिटी में होते हैं तो चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बायोसेक्सुअल और या हेट्रोसेक्सुअल या कैसे भी हों, वो लोग उस चीज़ पर कंट्रोल नहीं रख पाते और उसके बाद वो लोग उस चीज़ को डिफेंड और नॉर्मलाइज करके बताने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात जो सबसे ख़तरनाक और सबसे डरावनी है, वो चीज़ मैं आपको बता दूं, और मैं इस चीज़ को अपनी पहली की वीडियो में भी बता चुका हूं जो मैंने होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर बनाई थी, और वो ये है कि ये चीज़ यहाँ पर नहीं रुकने वाली है, ये चीज़ इससे और आगे बढ़ने वाली है, ये भी सेम सेक्स तक नहीं रहने वाली, सेम सेक्स तक नहीं रहने वाली। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जीसस क्राइस्ट ने प्रोडक्ट किया, लास्ट डेज की प्रोफेसी जब उन्होंने करी, उसमें उन्होंने बताया कि आखिर दिन जो होंगे वो लूत के दिनों की तरह होंगे। अब आप कहेंगे ये लूत के दिन या डेज ऑफ लूत क्या है? लूत एक नबी थे, एक भविष्यवक्ता, एक प्रॉफिट थे बाइबल में, या कह लीजिए वो एक धर्मी जन थे, परमेश्वर के खुदावंद के खौफ को मानने वाले। उस वक्त जो जिस जगह वो रहते थे, सदोम और गमोरा, वो भी आज की किसी भी आप कह लीजिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे थे, बहुत एडवांस बट हाइपर सेक्सुअलिटी, और उनकी सेक्सुअलिटी पर उन लोगों का कंट्रोल नहीं था, चाहे वो लोग आपस में रिश्तेदारी आपस में सेक्स कर लें, बाप बेटी, बेटी बाप, और आदमी आदमी के साथ, औरत औरत के साथ। और इस वजह से उस जगह की जो चिल्लाहट थी, उस जगह की जो गुनाह की गुनाह खुदा तक पहुँच गया कि ये बहुत ज़्यादा नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, मेरे बनाए उसूलों के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल नेचर के खिलाफ है। और खुदा ने उन जगहों को सल्फर से, आग और गंधक से बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया था। आपको पता है लास्ट डेज के लिए भी यही प्रोडक्ट हुआ है कि वो दिन भी लूत के दिनों की तरह होंगे। और लूत के दिन खाली ये नहीं थे कि वहाँ पर लोग सेम सेक्स को करेंगे, यानी आदमी आदमी और औरत औरत के साथ, इस चलन को बढ़ा दिया जाएगा, इस सेक्स के चलन को, यानी सेम सेक्स या होमोसेक्सुअलिटी को नॉर्मल कर दिया जाएगा, लीगलाइज कर दिया जाएगा। ये तो प्रोडक्ट है ही और वो हो भी गया, पर इससे भी वर्स्ट बात आपको पता है क्या, लूत के दिनों में क्या हुआ था कि बेटियों ने अपने बाप के साथ सेक्स किया था, उसको शराब पिलाई लूत को, और उसके साथ वो सोई भी और उनके साथ बच्चे भी पैदा करे। ये सबसे वर्स्ट बात है, मैं आपको बता दूँ, और ये इससे भी ज़्यादा भयानक बात है सोचने वाली कि आने वाले दिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं कि लोग मोरल वैल्यूज़ को जहाँ यहाँ तक गिर चुके हैं, ये इससे भी ज़्यादा गिरने वाली है। और याद रखिए, जो बच्चे आप अभी छोटे देख रहे हैं, वो बच्चे जब बड़े होंगे तो इनकी मोरल वैल्यूज़, जब वो बच्चे जो आज से 20 साल पहले छोटे थे इनकी इतनी गिर चुकी है, तो समझ जाइए उनको कितना प्रोग्राम कर दिया जाएगा जो अभी छोटे हैं, और उनके लिए ये चीज़ भी नॉर्मलाइज कर दी जाएगी कि बाप और बेटे भी, अगर बाप और बेटी और या माँ बेटा भी सेक्स करते हैं, या फिर इस टाइप के रिलेशनशिप में क्लोज रिलेटिव, भाई बहन, तो इसमें कोई गलत नहीं है। ये लूत के दिन हैं, दुनिया का नज़दीक है, और लोग नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, इसलिए नेचर गड़बड़ा चुका है पूरी दुनिया में। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप इतनी इतनी जल्दी अर्थ क्यूब्स देखते हैं, फ्लड्स देखते हैं, सुनामी देखते हैं, या कभी आप वायरस देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं, क्योंकि नेचर आपसे बुरा माना हुआ है। नेचर खुदा की बनाए हुए एक फीचर, एक ऐसी आर्ट है, या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है नेचर, जो कि इंसान
को उसमें रखा गया और इंसान भी उस नेचर का हिस्सा है, लेकिन इंसान को उसके ऊपर हेड बनाया गया, तो जैसे ही हेड अगर इसके अगेंस्ट जाएगा तो ये नेचर अपने आप उसके अगेंस्ट जाने लगेगा। और ये नेचर के अगेंस्ट है कि अगर आदमी आदमी या औरत औरत के साथ इस चीज़ को कर रहा है सेक्स को, इट इज़ एब्सोल्युटली अगेंस्ट नेचर। तो आप याद रखिएगा, जितने हमारे मोरल वैल्यूज़ गिरेंगे, जितने हम खुदा के बनाए हुए परमेश्वर के बनाए हुए नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, अननेचुरल चीज़ों को जितना हम नेचुरल और नॉर्मल साबित करने पे लग जाएंगे, उतना ही ये नेचर आपके अगेंस्ट जाएगा। इसलिए आगे और ज़्यादा बड़े बड़े फिर आने वाले डिज़ास्टर्स हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, बड़े बड़े अर्थक्यूक्स, फ्लड्स और सुनामी हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि हम मन फिराएं, हम तौबा करें और हम खुदा की तरफ पूरे मन को फाड़ कर फिरें, परमेश्वर की ओर फिरें, माफ़ी मांगें। मैं आपको सच बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, ये इसी चीज़ का सबसे बड़ा साइन है कि जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग बहुत 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 नज़दीक है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, दुनिया के मोरल स्टैंडर्ड्स गिर चुके हैं। बाइबल में लिखा हुआ है आखिर दिनों के लिए, लास्ट डेज के लिए, कि लोग भले को बुरा और बुरे को भला कहने लगेंगे। आज जो बुरा करेगा उसको लोग कहेंगे ठीक कर रहा है, और जो सही बात बोलेगा, सही चीज़ को करेगा, उसको लोग गलत बोलेंगे कि ये गलत है। तो कहने का मतलब मैं आपको यही बताऊँगा कि कमाल की बात यह है कि इनमें से कोई भी ये नहीं बता सका कि क्या मोरल है, क्या इमोरल है, कौन डिसाइड करेगा, और यहाँ पर सब स्पीचलेस हैं। बट मैंने जैसे पहले बताया, मैं आप भी फिर बताऊँगा, मेरे पास परमेश्वर का वचन है, बाइबल है। और आपको पता है, बाइबल एक ऐसा आधार रहा है, जब अमेरिका को बनाया गया उसके प्रिंसिपल्स उसी के थ्रू लिखे गए, बाकी और भी दूसरी जो क्रिश्चियन नेशंस को बनाया गया उसके प्रिंसिपल बाइबल पर ही आधारित थे। कैसे फौज होनी चाहिए, कैसे चीज़ों को हमें ऑर्गेनाइज़ करना, हर चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बाइबल से प्रभावित था, ये बात याद रखिएगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी, ये बात याद रखिएगा, ऐसे नहीं कि जो डॉक्टर भीमराव थे उन्होंने ऐसे लिख दिया, उन्होंने भी इंस्पिरेशन बाहर जाके ली, सीखा इस कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा है बाहर वालों का, तब उन्होंने यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, क्या सेक्शंस होते हैं, क्या आर्टिकल होते हैं, ये चीज़ बाहर जाके सीखी गई। और वो उन कंट्रीज़ से जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ थी, इस बात को याद रखिएगा। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि नेचर के अगेंस्ट ना जाएं, ये बहुत डरावनी और भयानक बात है, वरना आने वाले वक्त में और ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक बात होगी, और इसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं पर इंसान खुद होगा, क्योंकि वही खुदा के अगेंस्ट में, परमेश्वर के अगेंस्ट में जा रहा है। और मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे अच्छा समझे, बुरा समझे, कैसा भी समझे, मुझे यह आपको एक प्रोफेटिक वार्निंग देनी थी, मैंने दे दी, मेरे हाथ धुले हुए हैं, मुझे जो आपको मैसेज पहुँचाना था, दे रहा था, वो मैं दे चुका हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, आप उसे मानते हैं नहीं मानते हैं। मैं किसी भी होमोसेक्सुअल से नफरत नहीं करता, मैं होमोफोबिक बिल्कुल भी नहीं हूँ, आई लव होमोसेक्सुअल पीपल, बट आई हेट होमोसेक्सुअलिटी, क्योंकि क्राइस्ट ने बोला, जीसस ने बोला है कि लव सिनर बट हेट सिन। तो मैं इसी तरीके से होमोसेक्सुअल से प्यार करता हूँ, बस होमोसेक्सुअलिटी से नहीं, चाहे वो गे हो, लेस्बियन हो, मैं उनको वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे कि स्ट्रेट या हेटरोसेक्सुअल इंसान से, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट द सेम टाइम मैं ये बात ज़रूर बताऊँगा उन्हें, ये चीज़ गलत है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, और ये चीज़ परमेश्वर के कानून और उनके स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़ है।